आज लगता है हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज है नागपुर में हमारा फोर्थ डे, मतलब 4 दिन पहले आया था मैं और ऑपरेशन वगैरह हुआ। मैंने कुछ ज़्यादा यहाँ पे शूट तो किया नहीं, बस हॉस्पिटल है इस कारण से थोड़ा मैं, और फ्रेंड का था इसलिए वो भी मना कर रहा था तो मैंने बोला रहने दो, चलो हटाओ। बाइक मैंने कोल्ड स्टार्ट सुबह ही कर दिया था, आज अब निकलना है यहाँ से हमें। कार आगे जा चुकी है, कार हमने बुलवा लिए थे, अब बस यहाँ से ये रहा हॉस्पिटल चांडक नर्सिंग होम, मतलब क्या बोलते हैं, यहाँ पे स्पेशल एक्सीडेंट वाले लिए जाते हैं। और इतनी गर्मी अभी यहाँ पे लग रही है, मैं बता रहा हूँ 3 दिन से। वहाँ पे एमपी में तो बहुत तेज़ वाली ठंड है, यहाँ पे दिन और रात मैं टी शर्ट पहन के घूम रहा था, मतलब बिल्कुल भी यहाँ पे ठंडी नहीं है। और जाना कहाँ है, कहाँ से है, मेरे को ये भी नहीं पता। अब मैं स्लो स्लो चल रहा हूँ इनके पीछे पीछे, ये तो बड़ी वाली दिक्कत हो गई। ओहो हो, अभी नहीं निकल पाएंगे ऐसा लग रहा है। So don't leave me alone. भटक गए थे, पता नहीं किस रोड पे चला गया था मैं, और अब कहीं जाके मैं इस सही रोड पे आया हूँ। अच्छा, अब मेरे को यहाँ से रोड याद है। क्या है कि रेगुलर जहाँ पे ना जाओ ना रहो वहाँ की रोडें ऐसा ही होता है। अब मैं पता नहीं किधर चला गया था। ठीक है, जिसके पास भी भाई आईफोन है उसको मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा ऐसे मत लगाना फ़ोन इस पे, क्योंकि वाइब्रेशन जो आता है ना उससे आपके फ़ोन का ये कैमरा जो है ये ख़राब हो जाता है, जैसे कि मेरा फ़ोन का एक बार हो चुका है। फाइनली ट्रैफिक से बाहर, अब बस सिटी मतलब लगभग में मैंने क्रॉस कर लिया हूँ। अब यहाँ से उतना ट्रैफिक नहीं मिलता है तो ज़्यादा बाहर निकलने में टाइम भी नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक का ट्रैफिक तो रहता है यहाँ पे। जैसे ये ट्रक वगैरह का इनसे दिक्कत है थोड़ी सी, बाकी सब तो ठीक है। चलो अब मैं सीधा आप सबको हाईवे पे मिलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ बता नहीं पाऊँगा कितना दर्द हो रहा है। लो जी, पहुँच गए हम हाईवे में। तो मैंने सोचा अभी आपको एक बार और अपडेट कर दें कि मैं पहुँच चुका हूँ हाईवे में। हमारी एक कार और अर्टिगा जो कि अभी पीछे है। क्या है, कार और बाइक में बहुत फ़र्क होता है ना, कार ट्रैफिक में खड़ी हो जाती है और अपनी बाइक ऐसी झुप झुप करके बिल्कुल निकल जाती कहीं से भी। अभी रास्ते पे एक जगह है जहाँ पे रुकेंगे, खाना वाना खाएंगे, क्योंकि सुबह से सिर्फ हमने नाश्ता किया था, अभी खाना वाना खाए नहीं थे। तो अब देखते हैं कहाँ रुकना है, खाना वाना खाएंगे वहाँ पे रुक के और फिर बाकी वहाँ पे बताएंगे। तब तक आप रास्ते का मज़ा लो। मैं बिल्कुल खींचते हुए आ रहा था भाई, किस कारण से लो फ्यूल बता दिया। आगे कहीं जाके अभी किसी किसी पेट्रोल पंप पे फिर से फ्यूलिंग करवाएंगे। जब जब मैं सिटी जाता हूँ ना, मेरा इतना ज़्यादा खर्चा हो जाता है कि मैं अब क्या बताऊँ। वापस आते टाइम मेरे को दिक्कत होती है इतना। अभी मैं रुका हुआ हूँ एक ढाबे पे, क्योंकि भूख लगी थी यार बहुत ज़ोर से, तो खाना वाना भी हो जाए। अपनी कार भी यहीं पे खड़ी हुई है, ये यहाँ पे साइड पे, और ये है ढाबा। इस ढाबे पे रुका था, अपनी बाइक मैंने यहाँ पे लगा दिया। ये है ढाबा, फाइव फ्रेंड ढाबा।
हर बार जब भी नागपुर आते हैं यहीं पे रुकते हैं। अभी जा रहे हैं, खाना लग रहा है, खाना वाना खाते हैं उसके बाद फिर निकलते हैं और आके मिलते हैं सर। अभी रात हो गई है, वैसे तो मोटो लॉक करने से कोई मतलब नहीं क्योंकि कुछ दिखेगा है नहीं गोप्रो में, तो जहाँ लाइट होगी वहाँ पर शूट करूँगा, बाकी नहीं और फिर सीधा फिर जहाँ जो कुछ हुआ समझ लो, अब फिर सीधा नहीं तो घर पर मिलते हैं। यहाँ देखो यार, फाइनली अपनी बाइक 17,000 किलोमीटर चल चुकी है आज। 16,000 मैंने अभी रिसेंटली तो सर्विस करवाया था, लेकिन याद नहीं है कब करवाया था, कितने दिन में, आई थिंक 15-20 दिन से महीने भर के अराउंड हो रहा होगा और आज 17,000 कंप्लीट हो गए। हाँ, मेरे पास जो सेकंड बाइक है वो 2 साल की होने लगी और वो अभी अराउंड 11,000 चली है, 11 भी नहीं चली यहाँ तक, और इसको देखो, इसको 10 से 11 महीने हुए हैं और 17,000। वेलकम टू सियूनी। अभी मैं एंटर कर रहा हूँ सियूनी में, मतलब कर चुका हूँ, सियूनी के अंदर आए हैं क्योंकि बाहर तो अब कुछ खास मिलता नहीं, तो सोचा अंदर से कुछ सामान भी लेना था, खरीदी वगैरह टाइप की थोड़ी बहुत, और चाय वाय भी अंदर ही पी लेंगे। भाई नागपुर में तो बिल्कुल भी ठंड नहीं थी, मतलब रात पे भी टी शर्ट पहन के घूम रहे थे और यहाँ पे आते ही मैं सोचा ठंड नहीं होगी तो मैं लोवर ही पहना था, लेकिन ठंड तो इतनी तेज़ वाली है यहाँ पे। रास्ते पे वहाँ खाना खाने रुके थे, मैंने ऊपर से जीन्स पहन लिया, उसके बाद भी ठंडी लग रही है। अब यहाँ तो अपने MP में ठंड तेज़ है भाई, बहुत तेज़ है। क्या हल्ली लो फ्यूल जब तक दिखता है ना तो मन में कुछ अच्छा सा नहीं लगता है कि लो फ्यूल, इसलिए चलो फ्यूलिंग के बाद मिलते हैं आपसे आगे। तो यार फाइनली हम घर पहुंच गए आखिरकार। ठंड तो भाई नागपुर में मतलब ये समझ लो कि कुछ भी नहीं है, और यहाँ बहुत तेज़ वाली है। रास्ते पे आते आते मतलब रास्ते में थोड़ा सा जंगल पड़ता है, वहाँ पे तो वो कपकपाने वाली ठंड है, ऐसा कि मैं अंदर पे सब पहना हुआ था, लाइनर से लेके जैकेट से लेके सब, उसके बाद भी इतनी ठंड थी कि कपकपी छूट रही थी। चलो यार सफ़र थोड़ा सा मतलब थकाने वाला था आज का, जाते टाइम थकान नहीं हुई थी लेकिन आज थोड़ा पता नहीं क्यों हो गई है। तो अब बस मैं जा रहा हूँ सोने, तो इस वीडियो को बंद करते हैं यहाँ पे, मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में। जो नया है सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना, लाइक करने में कुछ भी नहीं लगता है और सब्सक्राइब की बटन दबा ही देना। चलो यार टाटा बाय बाय, टेक केयर। MP में तो बहुत तेज़ वाली गर्मी है, मतलब वो गर्मी कह रहा हूँ, उल्टा कह रहा हूँ। सब्सक्राइब की बटन बता दो।